लखीमपुर खीरी जा रही कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किए जाने के बाद वाराणसी में भी कांग्रेसियों में उबाल देखने को मिला। शासन की इस कार्रवाई के विरोध में पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मलदहिया चौराहे पर धरना देना शुरू कर दिया। इस दौरान अजय राय ने सरकार पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के मंत्री के बेटे ने लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। अजय राय के नेतृत्व में मलदहिया चौराहे पर सैकड़ों की तादाद में बैठे पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले पुलिस ने समझाया और न मानने पर बलपूर्वक उन्हें गाड़ियों में बैठाकर अन्यत्र भेजा गया। अरे प्रदेश की हालात खराब है, प्रदेश जल रहा है, प्रदेश में सत्ता की चूर में मंत्री भारत सरकार का उसका बेटा हमारे अन्नदाताओं पर गाड़ी चढ़ा रहा है, उनको मार रहा है, उनकी हत्याएं कर रहा है। अब कांग्रेस नहीं उतरेगी, अब हमारी नेता प्रियंका गांधी नहीं उतरेंगी तो कब उतरेंगी? कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हम जहां अत्याचार अन्याय हो रहा है, विशेष रूप से किसान जो हमें अन्न दे रहा है, जो हमें जिला रहा है, उसको मारा जा रहा है, हम घर में कैसे बैठेंगे? हम सड़क से लेके सदन से लेके और जहाँ जरूरत पड़ेगी गिरफ्तारी से लेकर हम लोग सब लोग तैयार हैं। अरे भाई सरकार उनकी है, वो नो एंट्री लगा दें, 144 लगा दें, वो बंद कर दें, गैंगस्टर लगा दें, NSA लगा दें, सरकार ऐसी ऐसी ऐसा ऐसा स्थिति ऐसी परिस्थिति ऐसी क्यों आई कि आपको जो है बंद करना पड़ा, 144 लगानी पड़ी? इस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है? इस परिस्थिति बनाने का जिम्मेदार कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी की सरकार है, मोदी के जो मंत्री हैं वहाँ के गृह राज्य मंत्री वो हैं, उनका बेटा है, किसानों को मार दिया। अब उसके बाद भी अगर हाथ में हम हाथ रख के बैठे रहेंगे तो इसका मतलब कि हम जनता के साथ खड़े नहीं हैं। तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता और हमारी नेता, हम लोगों को अपने नेता पर फक्र है। वो दिल्ली से आई और दिल्ली से आकर लखीमपुर गई, लड़ के झगड़ के गई, बाकी दल के लोग घर में एयर कंडीशन में बैठे थे, सुबह का इंतजार कर रहे थे जाने के लिए। हम प्रियंका गांधी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता है, कांग्रेस बनारस का कांग्रेस का कार्यकर्ता हमारे साथी, कि हमारी नेता बहादुर नेता के साथ कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता खड़ा। नहीं, निश्चित तौर से आप सोचिए कि इतने संभ्रांत लोग, इतने अच्छे लोग इस तरीके से प्रियंका जी वहाँ बात कर रही हैं, उनके साथ जबरदस्ती किया गया, उनको जो है मिसहैंडलिंग की गई, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा जी को तो ढकेल के गाड़ी में ले जाते हुए देखा जा रहा है। हम प्रियंका जी का हाथ पकड़ा है पुलिस वालों ने। इस तरीके की चीज़ें आप करेंगे, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। और किसान और अन्नदाता को गाड़ी से दबा के मार रहे हैं। अगर अपने मंत्री जो एक हफ्ता पहले, जैसा भी आदरणीय राजेश तिवारी जी ने कहा, एक हफ्ता पहले जो आपके मंत्री ने बयान दिया था कि हम हमारे पहले के इतिहास नहीं जानते, मैं सांसद विधायक नहीं हूँ, अगर उस समय योगी सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करती, अगर मोदी जी कार्रवाई करते, तो ये दिन आज देखने को नहीं मिलता। आज वो किसानों की हत्या उनका बेटा नहीं कर पाता, उनके ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ा पाता। इस मंत्री के बेटे के ऊपर कार्रवाई, 302 का मुकदमा हो, गिरफ्तार हो, और मंत्री ने जो एक हफ्ते पहले बोला है किसानों के बारे में, उसके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई हो, मुकदमा लिखकर उस गृह मंत्री जो है उसको जेल भेजना चाहिए। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।